उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होलिका दहन के अवसर पर गोरखपुर में हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको लिए चल रहे हैं। अनावश्यक रूप से तकराहट पैदा करता हूं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह और उमंग के साथ अपने पर्व और त्योहारों को मनाएंगे तो लंबे समय तक इसकी महत्ता बनी रहेगी। ये लोगों एक आम जनमानस की आस्था और भक्ति का केंद्र बिंदु बना रहेगा और हमें स्वयं इन ईश्वरीय अवतारों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा जिसके लिए हजारों वर्षों की इस विरासत को हम सब आज संभाल करके लेकर के चल रहे हैं। ये हमारी एक समृद्ध परंपरा है, हजारों वर्षों की परंपरा यानी ये सतयुग का वह कालखंड जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी पर्व और त्योहारों के माध्यम से इसको जोड़ करके सजो करके आने वाली विरासत को आने वाली पीढ़ी को एक विरासत के रूप में उपहार के रूप में देकर के फिर जाते हैं। 97 वर्ष पहले ही आपने यहां पे यात्रा आपके पूर्वजों ने निकाली होगी, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इस यात्रा को चलाया होगा और आज फिर एक नई पीढ़ी इस शोभा यात्रा के साथ जुड़ करके उसका साक्षी बन रही है। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से होलिका दहन के अवसर पर भगवान के एक महत्वपूर्ण अवतार नरसिंह अवतार के अवतरण के अवसर पर भक्त प्रहलाद की सफलता के इस आयोजन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इस पर्व और त्योहार को इसी उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करके इस अपने समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय जय श्री राम। यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज जी पहले आरती करेंगे उसके बाद फूलों की होली खेलेंगे, तब तक आप रंग गुलाल नहीं उड़ाएंगे। आशीष जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी को लेकर रथ पर जाए और आरती